सो हे गेमर्स, माय नेम इज़ अनूप एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर चैनल गेमिंग हेरेटिक। तो कैसे हो आप सभी? आज इस वीडियो में आप सभी को रेडमी गो ऑटो बैग की कॉन्फिग फाइल लेके आ चुके हैं एंड आप सभी को देंगे कुछ टिप्स। ये नहीं आपको कॉन्फिग फाइल बोल दिया तो सिर्फ कॉन्फिग फाइल अप्लाई करके चल दो भाई, आपका गेम बहुत ही ज़्यादा ऑटो बैक हो रहा है। इसीलिए आप सभी के लिए, आप इतने बार कमेंट किए, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। आप सभी को कॉन्फिग फाइल के साथ आप सभी को कुछ टिप्स बताने होंगे, सेटिंग बताऊंगा, उनको पूरा अप्लाई करना, नहीं तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, आपके ऑटो बैक नहीं फिक्स होंगे। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाना है एंड अपने भाई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें। आई नो आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है तो प्लीज़, अगर नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को रेडमी गो के ऊपर, जो रेडमी के जितने भी फ़ोन से जिनमें ऑटो बैक एंड लैग होते हैं, उन सभी के लिए कुछ टिप्स दूंगा जिसके यूज़ करने से आप सभी का पूरा लैग, ऑटो बैक, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सभी सभी फिक्स हो जाएंगे। बस आपको पूरे उस टिप को, कॉन्फिग फाइल को अप्लाई करना है एंड आप सभी के पूरे लैग फिक्स हो जाएंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले सेटिंग में जाना है एंड डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग आप ओपन कर सकते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर से एंड स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिटेड, इसको कर देना है नो बैकग्राउंड प्रोसेसर। इससे आप सभी के गेम ऑटो बैक नहीं होते। कीप डोंट कीप एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ बैकग्राउंड में रन नहीं होगी, इसके कारण गेम आपका ऑटो बैक नहीं होगा, ये जरूर से जरूर कर लेना। एंड फोर्स इनेबल फॉर MSSA, जो इसको ऑन कर दोगे तो गेम आपके ऑटो बैक्स नहीं होती ज़्यादातर, ये फ़ोन के परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है। यहाँ पे आने के बाद आप सभी को AnimeXL 5X पे कर देना है, Animation 5X सभी को कर देना है। मैं नहीं करूँगा बिकॉज मेरा गेम बहुत ही अच्छे चलता है, बट आपको करना है 5X पे कर देना है। आपका गेम अगर लो एंड डिवाइस यूज़ करे हो, आपका रेडमी का लो एंड डिवाइस है 1-2 GB रैम, तो आप कर देना है, इसको कर देना है। देन आप सभी को क्या करना है, ऐप्स में आ जाना है। यहाँ पे जितने भी ऐप्स रहते हैं क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर डाटा फोर्स स्टॉप। आपको मैं एक ही एप्लीकेशन को बता रहा हूँ, आपको सभी एप्लीकेशंस को कर देना है। देन वैसे ही जाना है एंड अगर आप फ्री फायर खेलने जा रहे हो तो आप सभी को क्या करना है, फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखता है एंड एक दिखता है स्टोरेज एज, यहाँ पे आपको क्लियर डाटा क्लियर एज रहता है तो आपको क्लियर एज करके तब गेम को खेलना है। फोर्स स्टॉप है, क्लियर एज कर देना है तब गेम को खेलना है। एंड यहाँ पे गूगल का रहता है सर्विस, आपको गूगल के सर्विस के हर एक गूगल के ऐप्स को क्या करना है, क्लियर डाटा करना है, फोर्स स्टॉप कर देना है गेम खेलने से पहले। इससे आपका गेम बहुत ही ज़्यादा लैग एंड ऑटो बैक नहीं होगा। आप जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना ये सभी टिप्स को। देन आप सभी को कॉन्फिग फाइल को अप्लाई कर लेना है। कैसे कॉन्फिग फाइल यूज़ करना है कैसे नहीं मैं बता देता हूँ। एंड अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी सेटिंग नहीं, बहुत सारी सेटिंग आपको और भी बताऊँगा आगे सेटिंग, अब भी पूरे वीडियो को देख के जाना। एंड कॉन्फिग फाइल कैसे अप्लाई करना है ये वाली, आप सभी को सबसे पहले जाना है डाउनलोड कर लेनी कॉन्फिग फाइल को, ये वाली कॉन्फिग फाइल मिलेगी, इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है जेड आर्चर एप्लीकेशन से। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हियर कर दोगे यहाँ पे .txt वाली फाइल मिलेगी, इस पर करना है प्रेस करना है, फाइल्स के अंदर जाना है, फ्री फायर कॉन्फिग फाइल मिलेगी, फ्री फायर कॉन्फिग एक अलग फोल्डर। यहाँ से आपको क्या करना है, जितना आपका रैम का अकॉर्डिंग, जितना जैसे आपका 2 GB है, 3 GB है, जितना आप अकॉर्डिंग है उसको छोड़ के सभी को डिलीट कर देना है। एसिस वाले फोल्डर को करना है कॉपी करना है, डिवाइस मेमोरी जाना है, एंड्रॉयड डाटा एंड इधर जाके पढ़ देना पेस्ट। यहाँ पे जैसे पेस्ट हो जाएगा उसके बाद अपने फ़ोन को पावर ऑफ या रिस्टार्ट कर लेना, इतना सा करना है। बस आपको पूरे डेवलपर की सेटिंग यूज़ करनी है, कॉन्फिग फाइल को अप्लाई करना है एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सअप है, आपको 1-2 GB रैम है, तो व्हाट्सअप के अंदर आप देखोगे जब उसको डाटा क्लियर डाटा करोगे ना तो आप सभी का गेम बहुत ही ज़्यादा डाटा स्टोरेज होता है, तो आप सभी को करना है उनको क्लियर डाटा कर देना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्रोम, इन सभी को क्या करना है, आपको क्लियर डाटा कर देना है, बहुत ही ज़्यादा ही इसमें बहुत ही ज़्यादा डाटा कलेक्ट होते हैं, तो आप सभी को इनको क्लियर डाटा कर देना है, या आप सभी को इनको पूरा क्लियर डाटा करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपका गेम अच्छे चलेगा, ये कर देना। एंड अपने स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा अप करके रखना, मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ही खाली करके रखोगे मेमोरी उतना ही अच्छे से आपका गेम चलेगा, तो आप जरूर से जरूर कर देना मेमोरी को और गेम को पूरा अच्छे से खाली कर देना, जितना ही आपका मेमोरी अप रहेगा गेम उतना ही अच्छे से चलेगा। एंड कॉन्फिग फाइल एंड पूरी सेटिंग को अप्लाई कर लेना, एक वीडियो में प्रॉपरली बना दिया था वो भी देख लेना अगर नहीं फिक्स होगा तो। आप सभी को और क्या करना है, जैसे आपका गेम फुल चार्ज नहीं है, आपका फ़ोन चार्ज नहीं है फुल, तो आपको गेम नहीं खेलना है, ये बातें ध्यान से रखनी है। एंड अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो, डुओ खेल रहे हो, तो
आपको अपने माइक का जो ऑप्शन रहता है उसको बंद करके रखना है। बस इतनी सेटिंग अप्लाई कर लोगे ना आपकी गेम बहुत ही चलेगा, ऑटो बैक बहुत ही कम होंगी। एक बार जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना, अगर नहीं होगा तो आप सभी बता देना कमेंट में, दूसरी वीडियो भी जल्द ला दूंगा एंड ये ठीक करने से आपका आई नो आपको फिक्स ही हो जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।